एनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए बरेली प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और आपको यहां पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस कर्मी वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। इसके अलावा भारी संख्या में जो आरएएफ की टुकड़ी है उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो तकरीबन 1400 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। 4 कंपनी पीएससी की, 1 कंपनी आरएएफ की, आधा दर्जन एएसपी, 1 दर्जन डिप्टी एसपी, इसके अलावा तमाम जो सीनियर आला अधिकारी हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इस्लामिया इंटर कॉलेज यहाँ पर यानी कि जहां पर हमारी मौजूदगी है यहां से विश्व प्रसिद्ध जो दरगाह है आला हजरत दरगाह उसी से मौलाना तौकीर रजा जुड़े हुए हैं और यहां से वहां तक की जो स्थिति है हर एक कोने पर जो पुलिस है वो नजर बनाए हुए है और जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी का जो ऐलान है वो तौकीर रजा ने किया है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मस्जिद मजारों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसके चलते उन्हें कोर्ट और किसी दूसरी एजेंसी पर जो है भरोसा वो नहीं है और इसलिए वो ज्ञापन में सीधे गिरफ्तारी देंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी कीमत पर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज है उसके अंदर कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो तौकीर रजा और उनकी पार्टी के 30 लोगों को पुलिस ने नोटिस भी दिया है। तो अब बात करें तो किसी भी कार्यक्रम की जो अनुमति है वो प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है लेकिन तौकीर रजा जो है उनका साफ तौर से कहना है कि 3 बजे के आसपास वो इस्लामिया इंटर कॉलेज में ही पहुंचेंगे और 4 बजे कलेक्टर को के ऑफिस पहुंचकर वो गिरफ्तारी देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ तस्वीर अब से कुछ घंटे बाद साफ होती है चूंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और तौकीर रजा को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है क्योंकि उनके बाहर निकलने के बाद जो हालात हैं वो बेकाबू हो सकते हैं और स्थिति को कानून व्यवस्था के अंतर्गत बनाए रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ तस्वीर सामने अब से कुछ घंटे बाद होती है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़ बरेली।